पोहरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर महिलाओं ने अड्डा वाले हनुमान मंदिर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पोहरी क्षेत्र के आधा सैकड़ा महिलाएं सम्मिलित हुईं। महिलाओं को प्रोत्साहित और जागृत करने भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमनी और भाजपा नेता लक्ष्मी नारायण खटिक पहुंचे। महिला दिवस पर महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं प्रेषित की। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में अनेक योजनाएं बना करके हमारी मातृशक्ति को सक्षम बनाने का काम किया है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। यत्र देवी तत्र पूजन्ते रमन्ते देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसे हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है। आपने देखा होगा और हम मीडिया के माध्यम से भी सुना है कि पहले की जो सरकारें थी उसमें महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता था। आज देख लीजिए हमारे देश की राष्ट्रपति भी हमारी बहन राष्ट्रपति बनी हुई बैठी हुई महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। और हमारे हम पोहरी की बात करें, अगर जनप्रतिनिधि के तौर पे हमारे चाहे जनपद अध्यक्ष हो बहन श्रीमती रामकली आदिवासी की, चाहे हमारी नगर परिषद की अध्यक्ष हों, ऐसे महिलाओं को चाहे राजनीति में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में शासकीय नौकरियां देने का काम अगर किसी सरकार में किया गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है। चाहे सुरक्षा की बात करूं, बेटियों को पढ़ाने की बात करूं, तो बेटियों को बराबर का जो दर्जा देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है।